आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। स्टूडेंट्स, सवाल हमें दिया गया है, समानधारिता के n संधारित्रों को पहले समांतर क्रम और फिर श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो दोनों अवस्थाओं में तुल्य धारिता का अनुपात है n, n स्क्वायर, 1/n या 1/n स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले दिया क्या है कि सबको समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि c धारिता है, ठीक है, और वो कितना n अमाउंट में है, यानी कुल संधारित्रों की संख्या n है, तो उसको पहले समांतर क्रम में हम जोड़ते हैं। ठीक है, एक मान लेते ये c है, ठीक है, दूसरा ये, इसी प्रकार करके n संधारित्र जुड़ा हुआ है। ठीक है, n संधारित्र जुड़ा हुआ है तो इसका कुल संधारित्र की धारिता क्या होगी, कुल संधारित्र जिसको हम लोग c इक्विवेलेंट से दिखाते हैं, c इक्विवेलेंट का सूत्र क्या होता है, C जोड़ कितना n टाइम तक। ठीक है, ये C1, C2, C3 मान लेते हैं, तो C1, C2, CN तक। ठीक है, ये CN है, ठीक है, CN। तो अब हर एक जो है वो समान धारिता का, देखो यहाँ धारिता दिया गया है, सबका समान है। ठीक है, तो धारिता सबका मान लेते हैं C है। ठीक है, तो C जोड़ कितना बार है, n बार, तो कुल कितना हो जाएगा, एन सी। ठीक है, तो C इक्विवेलेंट जो आएगा मेरा, ये किसका है, ये समांतर का। ठीक है, तो यहाँ P लिख देते हैं, पैरेलल। ठीक है, एन सी आया। अब दूसरा बार क्या बोला, इसको श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक है, तो ये A बिंदु है, यहाँ से धारिता ऐसे श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये C1, C2, C3, CN। ठीक है, श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है, तो इसके लिए हम लोग C इक्विवेलेंट कैसे लिखते हैं, 1/C इक्विवेलेंट बराबर होता है 1/C1 जोड़ 1/C2 जोड़ ऐसे ऐसे करके कहां तक, 1/CN तक। ठीक है, अब देखिए यहां पे सबका धारिता तो समान है, C1 बराबर C2 बराबर C3 बराबर CN बराबर C ले लेते हैं। ठीक है, तो 1/C इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 1/C जोड़ 1/C ऐसे ऐसे क्या, 1/C। ठीक है, n बार, चूंकि ये n बार है तो इस कितना लिख सकते हैं हम लोग, 1/C लिख सकते हैं। ठीक है, ये 1/C होगा, अर्थात c इक्विवेलेंट ये सीरीज है यानी श्रेणी क्रम है, तो इसको s से दिखाते हैं कितना हो जाएगा, हो जाएगा C/N। ठीक है, C/N हो जाएगा। तो अब हमसे पूछा है दोनों के बीच अनुपात कितना होगा। ठीक है, तो हम लोग निकालेंगे c इक्विवेलेंट जो है समांतर क्रम में बटा C इक्विवेलेंट S जो श्रेणी क्रम में जुड़ा हो, कितना हो जाएगा, NC/C/N। ठीक है, तो ये CC कट गया, N गुना N बराबर कितना आया, N स्क्वायर। यही जो N स्क्वायर है यही हो जाएगा मेरा आंसर। तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, तो हमें ऑप्शन दिया गया था N, N स्क्वायर, 1/N, 1/N स्क्वायर, तो हमारा आंसर आया है N स्क्वायर, तो बी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, कक्षा 6 से 12 से लेकर नीट IIT JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400400400 पर।